जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्का लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ए रोहित शर्मा, बी रविंद्र जडेजा, सी विराट कोहली या डी रॉबिन उथप्पा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके मोबाइल पर मिले प्रत्येक खबर। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के दो सगे भाई काफी चर्चे में। आज के इस विपरीत परिस्थिति में कोई भी युवा पढ़ लिख कर खेती करने की सोचता नहीं है और ना और कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर खेती करने के लिए कहता है, लेकिन युवाओं के लिए मिसाल कायम किया है पीरपैंती प्रखंड के तमोली गांव के साधारण किसान परिवार के दो सगे भाई रौनक दुबे और रमन दुबे ने। जहां रौनक ने देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की, तो वहीं रमन ने एमबीए की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लाखों का पैकेज ठुकरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा लेकर किसान की बदलाव स्थिति की सुधार खोज को लेकर गांव में जाकर खेती करने की सोची। सबसे पहले उन लोगों ने एग्री फील्ड नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद उन क्षेत्रों में जहां साल में एक आध फसलें उगा करती है उसमें लेमन ग्रास की खेती की। वह उसे उपजा कर उसे लेमन ग्रास हर्बल चाय बनाया। लेमन ग्रास हर्बल टी अपने औषधीय गुण के कारण जाना जाता है, जिसमें एंटी एलर्जी एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। वहीं युवाओं ने लेमन ग्रास हर्बल पत्तियों के साथ साथ कुछ औषधीय गुण वाले तत्वों को मिलाकर चाय बनाकर बाजार में उतारा, तो लोगों को इस चाय का सेवन करने से काफी फायदा महसूस हुआ। भारतीय डाक और कोरियर के माध्यम से इसे भेजा भी जा रहा है। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी इसकी खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ किसानों ने तो खेती भी शुरू कर दी है। रौनक कुमार। अच्छा, एग्री फीडर एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर। ये जो लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और क्या मन में हुआ जो ये खेती जारी की है? एक्चुअली हम लोग 2018 में लेमन ग्रास का प्लांटेशन इसी खेत में करवाए थे, एक एकड़ में। इसकी प्रेरणा हमें औरंगाबाद के अभिषेक कुमार जी से मिली थी। वो भारत सरकार द्वारा कृषि सम्मान से मतलब उनको पुरस्कार दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मानित किया था। तो हम लोग एक्चुअली किसी सम्मेलन में थे, तो हम लोग उस टाइम रिसर्च ही कर रहे थे कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से अलग हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसी दौरान हमें पता चला कि मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उसी से उन्हीं के मतलब निर्देशानुसार हमने यहाँ प्लांट लगाया था। ये कब शुरू किए थे? 2018 में हमने लगाया था इसे, नवंबर में। और अभी तक कितने बार ये काटा गया है? ये लगभग 12 बार के आसपास काटा जा चुका है अभी तक में। जी, दो साल में। जी, एक साल में कितने बार ये काटा जा सकता है? एक साल में इसे आप 4 से 5 बार काट सकते हैं, निर्भर करता है कि इसकी उपज कैसी है। जैसे अभी इसके पत्ता थोड़ा ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग कटिंग करा रहे हैं ताकि हम लोग इसके सैपलिंग्स निकाल के बगल के दो खेत हमने लिए हैं, इन दोनों खेतों में इसकी बुवाई करनी है। कितना लगभग आ जाए, थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये सारा ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस खेत में हमको लगता है पूरे 5 साल से ज़्यादा हो गया, केमिकल का एक भी दाना नहीं दिया गया। कौ फीट का हो जाता है ये पत्तियाँ तो कटना शुरू कर देते हैं? 6 फीट की होती है। जी, 6 फीट की होती है और इसे देख ही सकते हैं आप अभी। ठीक है, हम लोग जल्दी कटाई करा रहे हैं, कुछ सीड्स बेचने हैं इसके, इसीलिए ये यही पत्ता का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑयल निकालने के लिए भी, और इसी का हम लोग हर्बल टी भी बना रहे हैं। अब इसका जो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट हमारा सैपलिंग्स में आ जाएगा, बीज के इस्तेमाल में।
चुके हैं आप इस, ये जो कटा हुआ है जी जी, ये इससे बीज ये इससे देख रहे हैं ना जी, तो ये जड़ सहित निकलता है और इसी का एक पौधा खेत में लगाया जाता है एक फीट की दूरी पे। ये कैसे निकाले दिखाइए जरा इसको पूरा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर 4 जनवरी से 12 जनवरी तक डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा का विशेष अभियान। डाक अधीक्षक पटना के आह्वान पर पूरे सूबे में डाक जीवन बीमा का स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर के प्रधान डाकघर में भागलपुर प्रमंडल के डाक अधीक्षक राम प्रसाद ने बताया कि महा डाक अधीक्षक पटना के आह्वान पर 4 जनवरी से 12 जनवरी तक डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डाक कर्मी शहर और ग्रामीण दोनों ही जगहों में लोगों के घर घर जाकर बीमा करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही डाक अधीक्षक ने कहा कि डाक विभाग के द्वारा बहुत ही कम प्रीमियम पर लोगों को अच्छी अच्छी पॉलिसी उपलब्ध करा रहा है। आज आप लोग को बुलाने का खास मकसद यह है कि डाक विभाग ऐसे तो 1884 से बीमा क्षेत्र में अपना पॉलिसी करते आ रहा है और तो उसमें पहले बहुत लिमिटेड था, सरकारी लोगों तक की सीमित, लेकिन 1995 से हम लोग RPLI में भी, जैसे ग्रामीण डाक जीवन बीमा करते हैं, गांव के लोगों के लिए भी बीमा करते आ रहे हैं और हम लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर चुके हैं। अभी तक बहुत लोगों का पॉलिसी खोल चुके हैं। इसकी खासियत यही है कि कोई भी बीमा में पासबुक नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे यहाँ पासबुक रहता है, ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। और जीवन बीमा में खासियत यह भी है कि सबसे कम प्रीमियम लगता है और बोनस का रेट दूसरे बीमा से ज़्यादा है। और यह चूँकि भारत सरकार का डाक विभाग है, उसी से में होता है, इसलिए इसका पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। तो हम लोगों से यह अपील करते हैं कि जो भारत सरकार का संस्था, विश्वसनीय संस्था डाकघर है, उससे डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा लें और इसका लाभ उठाएं। लाभ चूँकि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा एजेंट नहीं हैं, इसलिए हम लोग उनको बोनस ज़्यादा देते हैं। तो इसका मुख्य रूप से यह नारा ही है, कम प्रीमियम अधिक बोनस। पासबुक की सुविधा है, जैसे अन्य जीवन बीमा का वो ATC के अंतर्गत जो इनकम टैक्स रिबेट है, वह वैसे हम लोग देते ही हैं। और इसके अलावा भारत के किसी भी डाकघर से में पेमेंट या जमा किया जा सकता है, इसलिए यह अति सुलभ चीज़ है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और आपके माध्यम से हम यह लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि भारत का जो सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, उसके साथ जुड़ करके लोग डाक विभाग का जीवन बीमा से जुड़े और फायदा उठाएं। हर तरह की पॉलिसी है इसमें, चाहे वह जीवन पर्यंत, जिनको हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, और मनी बैक तरह की पॉलिसी भी है, उनका प्रीमियम जो है से एज के अनुसार लिया जाता है। तो और इसको पोस्ट इन्फो एक जो भारत इसका डाक विभाग का ऐप है, उससे आप घर बैठे इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। और इंडिया पोस्ट के साइट के द्वारा, क्या है उसका साइट के द्वारा हम लोग उसको जमा भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए उसका। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए, और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है।
संपर्क करें 8603493747। भागलपुर के विक्रमशिला पुल से घोघा के युवक ने गंगा नदी में लगाया छलांग, जांच में जुटी पुलिस। युवक के साथ युवती के भी नदी में कूदने की बात आ रही सामने, परिजनों ने किया इनकार। परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के 38 नंबर पाया से शनिवार की देर शाम एक युवक और एक युवती ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक और युवती मोटरसाइकिल से पुल के पाया संख्या 38 के पास पहुंचे। दोनों युवक युवती ने पाया के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और वहीं से नदी में छलांग लगा दिया। युवक एवं युवती के गंगा नदी में छलांग लगाए जाने की सूचना मिलते ही परबत्ता और जाह्नवी चौक टीओपी पुलिस पाया संख्या 38 के पास पहुंची एवं पुलिस द्वारा नदी में भी खोजबीन शुरू कर दिया गया है। देर रात तक पुलिस ने युवक युवती को बरामद नहीं कर पाया है। वहीं पुलिस ने पाया संख्या 38 के पास खड़ी यमहा कंपनी की R15 मोटरसाइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR10Z3509 को जब्त कर लिया है एवं मामले की छानबीन में जुट गई है। छानबीन के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि पुल से छलांग लगाने वाला युवक घोघा थाना क्षेत्र के पन्नू चक शंकरपुर निवासी विजय यादव का पुत्र अंशु कुमार 23 वर्षीय है, जबकि पुल से उसके साथ छलांग लगाई युवती के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। देर रात घटना की सूचना पाकर अंशु के परिजन परबत्ता थाना पहुंच गए थे। वहीं परिजनों के द्वारा अपने स्तर से भी अभी देर रात में नदी में युवक युवती की खोज प्रारंभ कर दी गई थी। युवक के परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, अंशु अकेले ही पुल से नदी में छलांग लगाया है। देर रात परबत्ता थाना पहुंचे अंशु के परिजन ने बताया कि अंशु भागलपुर में रहकर पढ़ाई करता था। पिछले दिनों उन्होंने सचिवालय में नौकरी के लिए परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया था, जिसमें वह उत्तीर्ण नहीं हो पाया। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण वह काफी डिप्रेशन में चला गया। शनिवार को वह पूरे दिन अपने रूम में ही काफी बेचैन रहा, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली। शाम में 5 बजे अंशु अपनी मोटरसाइकिल लेकर रूम से निकला और पुल पर पहुंच गया, जहां लोगों ने उसकी गतिविधि को देख उसे पकड़ भी लिया और उसी के मोबाइल से हमें फोन कर सूचना दी कि अंशु नदी में छलांग लगा रहा है, रोकने के बाद भी नहीं रुक रहा है, हम लोगों से यह काबू नहीं हो रहा है। सूचना मिलने के बाद जब तक हम लोग यहां पहुंचे तो उसकी गाड़ी को पुल पर खड़ा पाया और वहां पर कोई नहीं था। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि युवक युवती के छलांग लगाए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन किसी ने भी कूदते नहीं देखा है। एक युवक के पुल से कूदने की बात सामने आई है। परिजन भी पहुंचे हैं। युवक के परिजनों द्वारा उसके साथ युवती की नहीं होने की बात कही जा रही है। घटना के संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया, सड़क हादसे में कटिहार के एक युवक की गई जान, दो घायल गंभीर स्थिति में मायागंज रेफर। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर देर शाम हुए सड़क हादसे में कटिहार जिले के एक युवक की जान चली गई, तो युवक के साथ दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के कमला कहनी देवीपुर काठी निवासी बिल्टू सहनी के 24 वर्षीय पुत्र कैलाश कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायल कटिहार जिले के फलका रुचदेव सिमरिया निवासी मन्नू महलदार के पुत्र चेतु कुमार, मधेपुरा जिले के गंगापुर हरजोर घाट वार्ड संख्या 17 निवासी सुखदेव शाह के पुत्र अखिलेश कुमार हैं। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुर्सेला की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे थे। नवगछिया स्टैंड से महज 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़े थे कि मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गया और तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों युवकों में से एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दो युवक घायल थे। घटनास्थल पर बड़ी मकनपुर निवासी बबलू राय मौके पर ही मौजूद थे। बबलू ने दोनों घायलों को बिना किसी परवाह के तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर नवगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने पूरे मामले की जानकारी बबलू राय से ली और उन्हें 200 रुपए देकर सम्मानित भी किया। इधर देर रात मृतक के ससुर जामुन महलदार और साला नाजो महलदार अस्पताल पहुंच चुके थे। दोनों गहरे सदमे में थे। दोनों ने बताया कि कैलाश की शादी
3 वर्ष पहले हुई थी और उसे एक 1.5 वर्ष का बेटा भी है। पुलिस ने घायल युवक के परिजनों को भी मोबाइल से सूचना दे दी है। तो दूसरी तरफ नौगछिया पुलिस ने मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और क्या बबलू राय, घर बड़ी मकनपुर, पिता का नाम लखन राय। अच्छा, कहाँ जा रहे थे और आप क्या देखे? तो बहन को लेकर जा रहे थे बाहर को छोड़ने के लिए। अच्छा, तो देखे तो एक्सीडेंट, तो हम बहन को बोले कि हम दीदी तुम जाओ, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। दीदी घबरा गई कि भाई फंसा देगा कोई। हम बोले उसको कि ठीक है फंसा देगा तो हम सोचेंगे, मेरा टेंशन है बात। तो दीदी चला गया रोते हुए। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो सबको बोले कि भाई कोई गाड़ी लाओ, इसको हम लाद के ले जाएंगे। आप लोग नहीं उठाइएगा, हम उठाएंगे इनको। लेकिन कोई नहीं तैयार हुआ। तब तक मैं बोला कि हम बोले ठीक है प्रशासन को फ़ोन करो, प्रशासन आएगा वो उठाएगा। तो प्रशासन को फ़ोन किया, बहुत देर का, आधा घंटा के बाद फ़ोन किया तो ये लोग पहुँचा वहाँ पर। पहुँचने के बाद फिर बोला कि हम SP को फ़ोन करते हैं। हम बोले प्रशासन आ गया तो SP साहब को काहे के लिए फ़ोन करूँगी, तो फोन नहीं किया। तब तो उठा के कोई जानकारी है जिनको, जिन्हों आपने जो ये साहस का काम किया है, कौन लोग थे? मेरा कोई नहीं था। नहीं, कौन लोग थे इसकी जानकारी हुई आपको, पता चला कि कौन? नहीं, वहाँ पे तो पता, किधर से आ रहा था, किधर जा रहा था? उधर से आ रहा था, इधर जा रहा, पूर्णिया की तरफ जा रहा। अच्छा, मतलब उधर से आ रहा था, बेगूसराय भागलपुर की तरफ से आ रहा था और पूर्णिया की तरफ, भागलपुर से? हाँ, उधर से आ रहा था, भागलपुर से आ रहा था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। कहाँ पर यह घटना हुई थी? कहाँ घटना? बस स्टैंड के नजदीक, बजरंगबली के थान के नजदीक। कोई इसको धक्का नहीं मारा। अच्छा। ये अपने से, चाहे ब्रेक मारा हुआ, चाहे डिस्क ब्रेक मारा, ये अपने से फेंकाया है तीनों आदमी, रोड पे छिड़िया गया। उसके बाद देखे तो 20 मिनट का बाद इसका एक ठोका दम टूटा और 2 ठोको तो। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। गोपालपुर विधायक के विरोध में मार्च, नौगछिया स्टेशन पर फूका पुतला। गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल के विरोध में शनिवार को सामूहिक बहिष्कार नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोपालपुर विधायक का फोन टैप सामने आने के बाद क्षुब्ध लोगों ने गोपाल गौशाला से विरोध मार्च निकाला और नौगछिया बाजार होते हुए नौगछिया स्टेशन पहुंचकर गोपालपुर विधायक का पुतला फूंक डाला। कार्यक्रम में लोगों ने अपने नारों के माध्यम से खुलकर गुस्से का इजहार किया। मौके पर डॉक्टर विपिन यादव ने भाईचारा का नारा दिया और विधायक के प्रति कड़े शब्दों में आक्रोश को व्यक्त किया। वहीं मौके पर भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष सज्जन भारद्वाज सहित कई अन्य उपस्थित थे। उसका नाम है नौगछिया दोस्तों, और यहाँ का जो विधायक है गोपाल मंडल, बकरी चोर, हरठुक्का, रंडीबाज और यादव उमियार और बैस समाज को जो गाली देने का काम किया है गोपाल मंडल, मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ, अगर तो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया होगा, एक बार किसी जाति को छूट देख लेना, मैं पार करा दूंगा। क्योंकि कहा गया है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में खीर है तो बारात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द रहे तो हर बात बुरी लगती है। आज नौगछिया बाजार के लोगों ने
मैं बधाई देना चाहता हूँ तुमने गोपाल मंडल को, जो घटुक्का है, जो रंडीबाज है, जो लंडिया के साथ लंडा नाच करता है, उसको तुमने विधायक बना दिया। ये नगोचा का दुर्भाग्य है, नगोचा का दुर्भाग्य है। और आपने वोट देकर के भी गाली सुनने का काम किया, आज ताली बजाने का समय नहीं है। उसका डाल को लाल लाल कर देंगे, मारते मारते लाल कर देंगे गोपाल मंडल को। उसकी औकात नहीं है कि आपको छू भी सकता है। क्या धरती को आकाश मिला, धरती को आकाश मिला, तो बार बार यह बात हुई है। हरा भरा जिसका घर आंगन, सिर्फ वही बरसात हुई है, उसका डर न बचिया है। दोस्तों आज आप लोगों ने उम्मीदवार, सब लोग खड़ा होता है, कोई भी जाति का लोग खड़ा हो सकता है। गोपाल मंडल ने जब अनिल यादव को गाली देने का काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ, अनिल यादव गाली देने का काम नहीं किया, पूरे गोपालपुर के यादव समाज को गाली देने का काम किया। किसका बदला लेके रहेंगे, चाहे बरबत्ता में ले कि भागलपुर में ले, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके बदले जो कुर्बानी देना पड़ेगा दे देंगे। दूसरी बात, हमारा बबिहार समाज का लोग सबकी आस्था होती है, कहीं कोई वोट देता है, इसका मतलब क्या वोट भी दे और मान लगा के गाली भी सुने। अगर हमें गाली भी सुनना होगा, इस कुत्ता को कफन बना देंगे, गोपाल मंडल को नगोचिया नहीं घुटने देंगे। मैं वादा करता हूँ आपको, नहीं घुटने देंगे उसको, क्योंकि गोपालपुर के विधायक को गोपालपुर को रंडीवान विधायक नहीं चाहिए, गोपालपुर को दानदार विधायक नहीं चाहिए, गोपालपुर को गुप्ता विधायक नहीं चाहिए, आप लोगों को पता है। इसीलिए आज मंच के माध्यम से आज जो ये इतना दान हुआ है, और गोपाल मंडल ने अपने कपड़े से लिखा है कि मैं जो कर्म किया हूँ, मैं इसी माला के लायक हूँ। देख लीजिए कितना माला हम लोग लाए, कलकत्ता से मंगाए हैं माला, ये माला मिलता नहीं है यहाँ पर, कलकत्ता से मंगाए हैं, इसलिए कि हवा हमारा विधायक बहुत बढ़िया है, इसलिए राजधानी से भी मंगाए हैं इसको, कि हमारा विधायक इतना बढ़िया है। देख लीजिए आप लोग माला उठा के दिखाए तो माला को, कलकत्ता से जो माला मंगाया है पहले बकरी चुराता था, उसके बाद भैंस चुराने लगा, उसके बाद ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ये माला अच्छा है ना, अच्छा है ये माला की ना। हाँ, ताली बजा दीजिए इस माला पर एक बार, ताली 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 बजाइए। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम।